इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट मास डिफेक्ट. तो स्टूडेंट, एज यू नो दैट द आइंस्टीन्स मास इनर्जी इक्वेलेंस इक्वेशन, तो मास इनर्जी इक्वेलेंस इक्वेशन आइंस्टीन की क्या है? E इक्वल एम सी स्क्वायर. E इज द एनर्जी, m इज द मास, एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. ठीक है, तो c क्या है? वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. और ठीक है, और c की वैल्यू होती है अबाउट 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, द अबव इक्वेशन एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी. ये इक्वेशन क्या है? हमें मास और एनर्जी में एक रिलेशन शो करती है. दिस इक्वेशन सजेस्ट दैट, ये क्या सजेस्ट करती है कि इफ अ पार्टिकल इज एट रेस्ट, कोई पार्टिकल रेस्ट में है, मींस दैट उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो है. तो इट इज पॉसेसिस एन इनॉर्मियस ऑफ एनर्जी. तो इसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ इट्स मास, इसके मास के कारण. तो द मास ऑफ पार्टिकल मेजर्ड इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द पार्टिकल इज एट रेस्ट, दैट इज कॉल्ड रेस्ट मास. पार्टिकल को, उस मास को हम क्या कहते हैं? रेस्ट मास. और रेस्ट मास को हम डिनोट करते हैं एम नॉट से. ठीक है, रेस्ट मास. तो द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल की एनर्जी होती है, मोस्टली पार्टिकल टोटल एनर्जी लिख लो, या टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल वो क्या होती है? वो सम होती है किस चीज का? रेस्ट मास एनर्जी वो सम होती है किसका? वो सम है फर्स्ट रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब रेस्ट मास एनर्जी क्या है? एम जीरो, टोटल एनर्जी ले लेते हैं ई, एम जीरो सी स्क्वायर, रेस्ट मास एम नॉट होता है, काइनेटिक एनर्जी को यहाँ हम कह देते हैं टी. ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई. तो द मास ऑफ द, यहाँ नोट पॉइंट कर लेंगे आप, नोट पॉइंट क्या करेंगे? तो द मास ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर व्हेन इट इज इन मोशन. जब कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसका मास क्या होता है? ग्रेटर होता है कंपेयर इट इज एट रेस्ट. ठीक है, जब ये रेस्ट में होता है तो मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, ग्रेटर व्हेन इट इज इन मोशन देन व्हेन इट इज एट रेस्ट. जब पार्टिकल रेस्ट में है उसके कंपेयर में क्या है? जो पार्टिकल मोशन में होता है उसका मास मैक्सिमम होता है. तो मास लिख दे रहे हैं, जो पार्टिकल मोशन में है उसका मैक्सिमम होगा मास ऑफ पार्टिकल रेस्ट के. ठीक है, अब समझते हैं हम मास डिफेक्ट क्या है. क्या है? मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट, तो मास डिफेक्ट द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास, द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ अ न्यूक्लियस, ऑफ अ न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द रेस्ट मास मासेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूंट न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड इट्स मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट. ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ ए न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द रेस्ट मासेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड इट्स मास डिफेक्ट. सपोज दैट वी हैव ए एलिमेंट विच हैज द जेड इज द एटोमिक नंबर, ए इज द मास नंबर. ठीक है, तो जेड प्रोटॉन्स एंड ए माइनस जेड इज न्यूट्रॉन्स. इसमें क्या है? जेड प्रोटॉन्स हैं और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स हैं. तो मास डिफेक्ट क्या होगा? देखो, इससे समझते हैं मास डिफेक्ट.
मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एम से, तो डेल्टा एम इक्वल हो जाएगा जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड और मास ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस उसका ओरिजिनल मास। ये किसका हो गया, डिफेक्ट मास का फार्मूला हो गया। ठीक है, एम क्या है, एम है रेस्ट मास, यहाँ क्या है, रेस्ट मास। ठीक है,